और 1 अप्रैल से हेलीकॉप्टर के जरिए आप दिल्ली दर्शन का मजा ले सकेंगे। जी हाँ, पवन हंस 1 अप्रैल से दिल्ली दर्शन के लिए अपनी हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने जा रहा है और इसके लिए 2 तरह के टिकट चार्जेस रखे गए हैं। 5,000 रुपए में आप 20 मिनट तक के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ान भर सकते हैं, वहीं 10 मिनट की उड़ान के लिए आपको 3,000 रुपए खर्च करने होंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली के कई इलाकों के दर्शन किए जा सकेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए आप अक्षरधाम, लाल किला, राजघाट, इन तमाम जगहों के दर्शन कर सकेंगे और इसके अलावा दूर से आप इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार के दीदार भी कर सकेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। समीर, बहुत अच्छी खबर है ये उन लोगों के लिए जो शायद ऊपर से दिल्ली का वो नजारा, वो लुक देखना चाहते हैं जिसके वो हमेशा से दीवाने रहे हूँ। जी बिल्कुल, टूरिज्म के लिहाज से एक यहाँ कह सकते हैं कि बड़ा कदम यहाँ पे एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से और खासकर पर्यटकों को उनकी मांग के हिसाब से देखकर ये कदम है जिसमें वो दिल्ली दर्शन हेलीकॉप्टर के जरिए कर सकते हैं, जिसमें अक्षरधाम, राजघाट, लाल किला वगैरह ऊपर से वो देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। और इसके जिस तरीके का रिस्पांस मिलेगा पवन हंस को, उसके आधार पे पवन हंस का मानना है कि वो और टूरिज्म के लिहाज से और सेक्टर्स और रूट भी तय करेंगे जिसमें वो अपनी इस तरीके की विशेष पैकेजेस को आगे लेकर जाएं। सूत्र बताते हैं कि ऐसा ही पैकेज वो उत्तराखंड और आसपास के इलाकों को देखकर बना रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि इस दिल्ली दर्शन पैकेज को लेकर कैसा रिस्पांस आता है और उसके बाद वो आगे इसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर दीक्षित इस तमाम अपडेट के।